वक्त बहुत कम है, शोरा इकराम की फहरिस्त तवील है। मैं कम वक्त में आपकी ज़्यादा खिदमत करना चाहता हूँ। इस डाइस का सबसे छोटा शायर हूँ मैं, बतौर ख़ास मतलब पढ़ता हूँ, आप सबकी दुआएं चाहता हूँ। जिन हजरात को जाना है वो जल्दी से चले जाएं ताकि मुशायरे का माहौल बन जाए। मतलब पढ़ता हूँ दोस्तों बतौर ख़ास, और माहौल बना दीजिए। डाइस पर हमारे तमाम सीनियर शोरा इकराम तशरीफ़ फरमा है, मोहतरम मीसम गोपालपुरी साहब, हाशिम फिरोज़ाबादी साहब, वसीम रामपुरी साहब, दुआएं चाहता हूँ। जिस जिस चीज पे नाज है तुझको सब फानी हो जाएगी। जिस जिस चीज पे नाज है तुझको सब फानी हो जाएगी। जिस जिस चीज पे नाज है तुझको सब पानी हो जाएगी। पानी पानी थी ये दुनिया फिर पानी हो जाएगी। पानी पानी बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। और मैंने ये देखा कि जब जब शेर पढ़े गए तो आप लोगों ने दुआओं से नवाजा। मैं आपकी समातों को सलाम करता हूँ, हुस्ने मतलब पढ़ता हूँ बतौर ख़ास समात पर मैं। दर पर तेरे खम जिसकी भी पेशानी हो जाएगी। दर पर तेरे हम जिसकी भी पेशानी हो जाएगी। दर पर तेरे हम जिसकी भी पेशानी हो जाएगी। दावा करता हूँ वो सूरत नूरानी हो जाएगी। नूरानी हो जाएगी। और हाजरीन ग्रामी, आज के मुशायरे की एक खासियत ये भी मैंने देखी, ना आपने किसी को हूट किया, ना भगाया और ना किसी को दोबारा बुलाया। मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम करता हूँ और ये शेर बतौर ख़ास पेश करता हूँ। डाइस पर तमामी मोहतरम की दुआएं चाहता हूँ। कि नज़ा के बात जो दम अटकेगा कुरआन ही काम आएगा। नज़ा के बात जो दम अटकेगा कुरआन ही काम आएगा। नज़ा के बात जो दम अटकेगा कुरआन ही काम आएगा। सूरह यासीन पढ़ लेने से आसानी हो जाएगी। सूरह यासीन पढ़ने से आसानी हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैं हाजिर करता हूँ। कि नज़ा के बात जो दम अटकेगा कुरआन ही काम आएगा। नज़ा के बात जो दम अटकेगा कुरआन ही काम आएगा। सूरह यासीन पढ़ लेने से आसानी हो जाएगी। सूरह यासीन
पढ़ लेने से आसानी हो जाएगी। और दोस्तों मतलब मैं अपने नौजवान दोस्तों की नज़र करता हूँ और बताना चाहता हूँ कि नौजवान दोस्तों की नज़र सिर्फ रुमानी शेर नहीं किए जाते बल्कि अच्छे शेर भी उनकी नज़र किए जाते हैं। मतलब पढ़ता हूँ बतौर खास समाज फरमाए हजरत कि नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। अगर आप अपने सीनों में संजीदा दिल भी रखते होंगे तो मुझे दुआओं से सुनाओ। नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया, बचपन का घर भूल गया। नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। बीवी के जेवर तो लाया, माँ की चादर भूल गया। ये फूल सिद्धार्थ नगर की तरफ से था। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, उनकी मोहब्बत में सलाम करता हूँ। मैं हाजिर करता हूँ कि नए मकान की गोद में अपने बचपन का घर भूल गया। बीवी के जेवर तो लाया, माँ की चादर भूल गया। बीवी के जेवर तो लाया, माँ की चादर भूल गया। और दुश्मन के बारूदों वाले फूलों से होशियार रहा, दुश्मन के बारूदों वाले फूलों से होशियार रहा। दोस्त जो पहलू में रखता था उसका खंजर भूल गया। दोस्त जो पहलू में रखता था उसका खंजर भूल गया। बीवी के जेवर तो लाया, माँ की चादर भूल गया। और एक मतलब दो शेर बतौर खास पढ़ता हूँ दाइश पर तमामी शोरा कराम की दुआ चाहता हूँ और मेहमान कराम की दुआ चाहता हूँ। समाज फरमाए कि मिल सकती है हर एक निशानी खरीद के, मिल सकती है हर एक निशानी खरीद के, मिल सकती है हर एक निशानी खरीद के। मिलती नहीं है दोस्त जवानी खरीद के, मिलती नहीं है दोस्त जवानी खरीद के। मैं भी दोस्तों रंगीन शायरी पढ़ना जानता हूँ और आपकी ताली बजवा सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मैं चाहता हूँ कुछ खिदमत करूँ मैं अच्छे शेरों से। शेर हाजिर करता हूँ बतौर खास समाज फरमाए कि मिलती नहीं है दोस्त जवानी खरीद के। जो चाहता था मैं वही खुशबू न मिल सकी, जो चाहता था मैं वही खुशबू न मिल सकी। जो चाहता था मैं वही खुशबू न मिल सकी। लाया तो था मैं रात की रानी खरीद के, लाया तो था मैं रात की रानी खरीद के। और ये शेर बतौर खास पेश करता हूँ और ख़ास तौर से उनके लिए जो मेरे भाई परदेश में रहते हैं। समाज फरमाए
कि उस वक्त माँ के दूध की कीमत को रो पड़ा, उस वक्त माँ के दूध के कीमत को रो पड़ा, उस वक्त माँ के दूध के कीमत को रो पड़ा, जब शहर में मिला मुझे पानी खरीद के, जब शहर में मिला मुझे पानी खरीद के, जब शहर में मिला मुझे पानी खाती है मेरी माँ। अगर बात सच्ची हो और आपके घरों में ऐसा होता हो तो मुझे दुआओं से नवाज देगा यहाँ से पीछे तक। सरगोशियाँ कर कर के सुलाती है मेरी माँ, 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 कुरान की तिलावत से जगाती है मेरी माँ, कुरान की तिलावत से जगाती है मेरी माँ। और हुस्ने मतलब समाप्त फरमाए कि अल्लाह की रहमत नजर आती है मेरी माँ, 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 खुद खाती नहीं मुझको खिलाती है मेरी माँ, खुद खाती नहीं खुद खाती नहीं मुझको खिलाती है मेरी माँ। और ये शेर बतौर खास सफीपुर के लोग भी यहाँ तशरीफ लाए हैं, मैं उनकी भी दुआएं चाहता हूँ समाप्त फरमाएं कि खुद खाती नहीं मुझको खिलाती है मेरी माँ, क्या नेकी है दुनिया में बदी क्या है जहाँ में, क्या नेकी है दुनिया में बदी क्या है जहाँ में, क्या नेकी है दुनिया में बदी क्या है जहाँ में, क्या नेकी है दुनिया क्या है जहां में, हर अच्छी बुरी बात बताती है मेरी माँ, हर अच्छी बुरी बात बताती है मेरी माँ, अल्लाह की रहमत नजर आती है मेरी माँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मैं गजल का एक मतला और चंद शेर बताऊँ, मुझे नज़्म के लिए भी हुक्म है लेकिन देखता हूँ अगर आपकी मोहब्बतें मिली तो मैं शायद नज़्म भी सुना सकूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाई आलम निज़ामी साहब का और गालिब भाई का जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया कि आपसे मुलाकात हुई, और मैं अपने मोहतरम जनाब अब्दुल सत्तार साहब का भी मशकूर ममनून हूँ। दुआ चाहता हूँ, मतला पढ़ता हूँ मतला नौजवान दोस्तों के लिए, उसके बाद संजीदा शेर आप तक पहुँचेंगे समाप्त में। प्यार किया तो 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 प्यार ने सब कुछ छीन लिया, प्यार किया तो प्यार ने सब कुछ छीन लिया, प्यार किया तो प्यार ने सब कुछ छीन लिया, प्यार किया तो प्यार ने सब कुछ छीन लिया, प्यार किया तो प्यार ने सब कुछ छीन लिया, मुझसे मेरे यार ने सब कुछ छीन लिया, मुझसे मेरे
यार ने सब कुछ। अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा तो मेरे हौसला अफजाई के लिए मेरे एक बार जोरदार तालियां बजा दे ताकि मैं शेर पढ़ सकूं। पीछे लोग समझ में नहीं आ रहा है कि आदमी बैठे के सामान रखा हुआ है। शेर पढ़ता हूँ बतौर खास समाप्त फरमाएं। ये गंगा जमनी हमारा मुशारा मैं बतौर खास पेश करता हूँ कि ईद की खुशियाँ ईद की खुशियाँ और होली के मेल मिलाप, 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 आंगन की दीवार ने सबको छीन लिया, आंगन की दीवार ने सबको छीन लिया, आंगन की दीवार ने सबको छीन लिया, सर का दुपट्टा और आंखों की शर्म हया, 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 फैशन के बाजार ने सब कुछ छीन लिया, फैशन के बाजार ने सब कुछ छीन लिया, फैशन के बाजार ने सब कुछ छीन लिया, प्यार किया तो प्यार ने सब कुछ छीन लिया, सर का दुपट्टा और आंखों की शर्म हया, फैशन के बाजार ने सब कुछ छीन लिया, फैशन के बाजार ने सब कुछ छीन लिया। और अगर आप इतने संजीदा हैं तो मैं आपको एक संजीदा शेर देने जा रहा हूं, हिफाजत कीजिएगा दोस्तों। कि एक बेबस मजबूर गरीब की लड़की का, 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 लालच के संसार ने सब कुछ छीन लिया, लालच के संसार ने सब कुछ छीन लिया। अगर बजाना तो जोरदार ताली बजाइए, पूरे मजमे से आवाज आनी चाहिए अगर आप इसकी तायद कर रहे हैं। एक बेबस मजबूर गरीब की लड़की का, एक बेबस मजबूर गरीब की लड़की का, एक बेबस मजबूर गरीब की लड़की का, लालच के संसार ने सब कुछ छीन लिया, लालच के संसार ने सब कुछ छीन लिया, प्यार किया तो प्यार ने सब कुछ छीन लिया। और ये भी शेर बतौर खास समाज फरमाए हजरत कि पेट की रोटी और गरीब के तन का लिबास, पेट की रोटी और गरीब के तन का लिबास, पेट की रोटी और गरीब के तन का लिबास, पेट की रोटी और गरीब के तन का लिबास, इस महंगी सरकार ने सब कुछ छीन लिया, इस महंगी सरकार छीन लिया, इस महंगी सरकार ने सब कुछ छीन लिया। और भाईचारे की खुशबू उल्फत के फूल, भाईचारे की खुशबू उल्फत के फूल, भाईचारे की खुशबू
उल्फत के फूल भाईचारे की खुशबू, उल्फत के फूल नफरत की तलवार ने सब कुछ छीन लिया, नफरत की तलवार ने सब कुछ। मुझे गीत के लिए हुक्म हुआ है, लेकिन बहुत अच्छे सामईन हजरात मेरे सामने हैं, मैं इनके समातों को सलाम करता हूं और एक नज़्म पढ़ना चाहता हूं। अगर आपने सुना तो मैं सुनाऊंगा, वरना जिस गीत के लिए मुझे हुक्म आया है, मुझे फरमाइश हुई, वो गीत मैं पढ़ूंगा। एक नज़्म है, मैं पढ़ता हूं, दुआ चाहता हूं। ये गंगा जमनी स्टेज है, एकता को इस स्टेज से बढ़ावा मिलता है, मैं दुआ चाहता हूँ। उससे कबल चार मिसरे पढ़ता हूँ ताकि गीत का माहौल बन जाए। यही जमीन यही आसमान लिख देना, किसान का हूँ मैं बच्चा, किसान लिख देना। यही जमीन यही आसमान लिख देना, किसान का हूँ मैं बच्चा, किसान लिख देना। हमारी लाश मिलाने से पहले मिट्टी में हमारे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना, हमारे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना, हमारे माथे पे हिंदुस्तान लिख देना। और चार मिसरे समाप्त फरमाए हजरत। जान दे देना ये तन मत बेचना, तुम कभी गंगो जमन मत बेचना। जान दे देना ये तन मत बेचना, तुम कभी गंगो जमन मत बेचना। ऐ वतन के नौ निहालो कुछ भी हो, तुम शहीदों के कफन मत बेचना, तुम शहीदों के कफन बेचना। और आइए दोस्तों, आपकी नज्म आपके हवाले करता हूँ, समाप्त फरमाएं। हिंदू मुस्लिम एकता को नजर में रखें और मेरी नज्म समाप्त फरमाएं। कितना दिलकश हसी प्यारा प्यारा, कितना दिलकश हसी प्यारा प्यारा, ये वतन है हमारा। ये यहाँ पर ताली बजनी चाहिए थी दोस्त, वतन की मोहब्बत की बात आई है, यहाँ पर तालियाँ बजनी चाहिए। कितना दिलकश हसी प्यारा प्यारा, ये वतन है हमारा, ये वतन है हमारा। कितना दिलकश हसी प्यारा प्यारा, ये वतन है हमारा, ये वतन है हमारा। उन शहीदों पे कुर्बान सारा, ये वतन है हमारा, ये वतन। अच्छा लग रहा है, पढ़ दूं मैं गीत पूरा, बंद हाजिर करता हूँ समाचार में। है कहीं पर हिमालय कसीना, तो कहीं ताज महल कसीना, है कहीं पर कुतुब का मीनारा, तो कहीं गंगा जमुना का धारा, तो कहीं गंगा जमुना का धारा। हर तरफ खुश नुमा है नजारा, ये वतन है हमारा, ये वतन है हमारा। ये और ये बंद बतौर खास समाज फरमाए हजरत।
कितने अवतार की है ये भूमि। ये वतन है हमारा, ये वतन है हमारा, कितने अवतार की है ये भूमि, औलिया की ये है सरजमी भी, साधु संतों का है यही डेरा, मुफ्तियों सूफियों का बसेरा, मुफ्तियों सूफियों का बसेरा, काशी मथुरा है अजमेर प्यारा, ये वतन ये वतन ये वतन है, कितने अवतार की है ये भूमि, औलिया की ये है सरजमी भी, साधु संतों का है यही डेरा, मुफ्तियों सूफियों का बसेरा, मुफ्तियों सूफियों का बसेरा, काशी मथुरा है अजमेर प्यारा, ये वतन है हमारा, ये वतन और बंद हाजिर करता हूँ दोस्तों, समाप्त फरमाएं, ये वतन है हमारा, है कहीं पर भगत सिंह जो कुर्बा, तो कहीं पर है नानक मेहरबा, याद आए कभी हमको झांसी, और अशफा कुल्ला की फांसी, और अशफा कुल्ला की फांसी, उनके खूने यही फिर पुकारा, ये वतन है हमारा, ये वतन है हमारा, वतन है। और आपके खूबसूरत समातों के हवाले बतौर खास ये बंद करता हूँ, समात फरमाए, है कहीं पर अजा की सदाएं, तो कहीं पर भजन गुनगुनाएं, सुबह की ताजा ठंडी हवाएं, झुंड चिड़ियों के नगमे सुनाएं, झुंड चिड़ियों के नगमे सुनाएं, एक रब है हमारा तुम्हारा, ये वतन ये वतन और आखिरी बंद पेश करता हूँ दोस्तों, उसके बाद इजाजत, समाप्त फरमाए, हिंद में थी जो काविश वो जन्नत, हो गई आज क्या उसकी हालत, हम ना आपस में लड़ते झगड़ते, हम न टुकड़ों में इस तरह बटते, हम न टुकड़ों में इस तरह बटते, कीजिए पैदा वही भाईचारा, ये वतन है हमारा, ये वतन है हमारा, कितना दिलकश हसी प्यारा प्यारा, ये वतन है।